हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सोशल रिसर्च वाला पेपर है उसमें हम देखेंगे कि जो सोशल सर्वे होता है वो क्या होता है। तो सोशल सर्वे का सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग या उसका अर्थ। तो जो हमारा सर्वेक्षण शब्द है उसका प्रयोग इतना विस्तृत रूप से किया जाने लगा है या इसको इतना हम एक्सप्लेन करें कि देखें कि उसकी एक निश्चित सार्वभौमिक परिभाषा भी अगर हम करना चाहें तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है काफ़ी जो है विस्तृत हो चुका है। तो सर्वेक्षण जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के सर्वे शब्द का हिंदी रूपांतर है, और अंग्रेजी शब्द जो सर्वे का अर्थ होता है वो होता है ऊपर या ओवर, और इसके साथ वेयर का अर्थ होता है टू सी यानी कि देखना। इस तरह से देखें हम तो सर्वेक्षण का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है ऊपरी तौर पर देखना, और किसी घटना का निरीक्षण या परीक्षण करना जो है वो हम सर्वेक्षण उसको हम कह सकते हैं। तो इसके लिए जो परिभाषा है जो मुख्य रूप से वो तीन मानी गई है, ई एस बोगार्डस की, शिन पाओयंग की और ई डब्ल्यू वर्जेश की। तो ई एस बोगार्डस ने जो कहा था कि विस्तृत रूप से जो सामाजिक सर्वेक्षण है वो किसी एक समुदाय विशेष के लोगों के जीवन को निर्वाह करने और उनके कार्य की दशाओं के संबंध में तथ्यों का संकलन जो है करना, वो हमारा जो है उन्होंने इसे सामाजिक सर्वेक्षण बताया कि ए सोशल सर्वे इज द कलेक्टिंग ऑफ डेटा कंसर्निंग द लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन ब्रॉडली स्पीकिंग ऑफ द पीपल एंड गिवन कम्युनिटी। इसके अलावा शिन पाओयंग ने जो कहा था वो कहा था कि सामाजिक सर्वेक्षण प्राय एक ऐसे समूह के लोगों की रचना और क्रियाकलापों रहन सहन की दशाओं के संबंध में जो है छानबीन करता है, और ए सोशल सर्वे इज यूजुअली एन इंक्वायरी इनटू द कंपोजिशन एक्टिविटीज एंड लिविंग कंडीशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। इसके अलावा एक और परिभाषा जो कि आप अपने एग्जाम पेपर में आप लिख सकते हैं वो ये है कि एक समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास की रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया हो, उसकी दशाओं और आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन करे। तो ये कहा था उन्होंने ई डब्ल्यू वर्जेस ने कि ए सोशल सर्वे ऑफ ए कम्युनिटी इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इट्स कंडीशन एंड नीड फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोग्राम ऑफ सोशल एडवांस। इसके अलावा ई एच एन मोर्स की भी है, तो आप तीन आपको एग्जामिनेशन में आपको डेफिनेशन लिखनी होती है और आप ये तीन लिख सकते हैं और उसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि जो सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो निरीक्षण व परीक्षण की एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है और जो समस्याओं का एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करती है, यानी ये साइंस के तरीके से ही जो है इस पर काम किया जाता है। इसके अलावा इसकी विशेषताओं की बात करें तो जो है सबसे पहला चीज़ आता है वो है स्टडी ऑन ए डिफिनेट जियोग्राफिकल एरियाज के एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अध्ययन। तो सामाजिक सर्वेक्षण जो है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले संपूर्ण लोगों का अध्ययन करके डेटा कलेक्टिंग जो है वो करता है। दूसरा जो इसका मुख्य रूप से अगर हम देखें इसकी विशेषता तो वो है कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन, तो स्टडी बाय साइंटिफिक मेथड यानी कि सामाजिक सर्वेक्षण एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन करता है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा जो है इसमें अध्ययन किया जाता है क्योंकि शोधकर्ता या जो रिसर्चर है वो डेटा कलेक्टिंग के लिए जो है क्वेश्चनायर आदि का जो है प्रयोग करता है और कार्यकरण के तथ्यों को यानी कि डेटा को जो है कलेक्ट करता है और उसके बाद ही जो है इसका कोई कंक्लूजन वो निकालता है। इसके बाद आता है आपका थर्ड जो है पॉइंट, वो है स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेनन मीन सामाजिक घटनाओं का। इसमें अध्ययन होता है कि सामाजिक जो सर्वेक्षण होता है या सर्वे होता है उसमें जो कम्युनिटी में रहने वाले जो लोगों की जो सामाजिक घटनाओं और उनके जुड़े हुए जीवन में जो भी उनकी समस्याएं आती हैं उनके कारणों का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। इसका फोर्थ पॉइंट हम देखें तो वो है कि कम्पिटेटिव स्टडी ऑफ सोशल एंड सोशल फेनोमेनन यानी कि सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं का जो है इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, क्योंकि अगर तुलनात्मक रूप से कोई काम किया जाता है तो उसके सफल होने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो इसका लास्ट पॉइंट है वो स्टडी ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस यानी कि सरकारी अध्ययन प्रक्रिया। तो सामाजिक सर्वेक्षण जो है एक सरकारी प्रक्रिया द्वारा अध्ययन करती है जिससे एक सामाजिक समस्या का अध्ययन जो है अनेक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सोशल सर्वे जो है वो कितने टाइप्स का होता है। धन्यवाद।